हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहां पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना बुक न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पहला चैप्टर डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि गैलीलियो सर ने इनर्शिया के बारे में या फिर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने क्या बोला, जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो होगा, तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करेगा। कहने की सीधी बात, जब तक एफ नेट जीरो होगा, जब तक एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होगा, तब तक बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ये बात किसकी थी, गैलीलियो की। गैलीलियो की इसी आइडिया को न्यूटन ने अपने लॉ में डिराइव किया और उन मैकेनिक्स की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन बिल्ड ऑन गैलीलियोस आइडियाज, न्यूटन बिल्ड ऑन गैलीलियोस आइडियाज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड लेड The foundation of mechanics in terms of three laws. Mechanics in terms of three laws of motion. Motion, ठीक है, O है MOTION, motion that go by his names, that go by His names. Clear हुई बात। जो गैलीलियो का आइडिया था किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, उसी चीज को न्यूटन ने आगे और बढ़ाया और अपने तीन लॉ को दिया, जो क्या करते हैं, मैकेनिक्स की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो जो गैलीलियो का आइडिया था, गैलीलियो का आइडिया क्या था, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन वाज His starting point was his starting point, which is he formulated as first law of motion, which he formulated as first law of motion, first law of मोशन। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बात की थी, जो गैलीलियो का लॉ था किसके बारे में था, इनर्शिया के शुरुआती की बात किसने की थी, गैलीलियो ने। उन्होंने ही बताया कि कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, और इस बॉडी की इस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को उन्होंने क्या, इनर्शिया नाम दिया था। इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन हिमसेल्फ। ठीक है, तो गैलीलियो के इसी आइडिया को न्यूटन ने अपना पहला लॉ के माध्यम से दिया। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन के पहले लॉ की। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम ना करने लगे। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या है, एवरी बॉडी कॉन्टिन्यू To be in its state of rest, or uniform linear motion, along a straight line, unless acted upon by external unbalanced force। क्लियर हो गई बात, यही है न्यूटन के पहला लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, उसका स्टेटमेंट, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। आपको मालूम है कोई बॉडी, जब ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। अगर कोई बॉडी, सब उसका लो, ये कार है, कार को कैसे बनाए, हाँ चलो ये कार है, ठीक है, ये क्या है, कार है। अगर ये v वेलोसिटी से चल रही है तो चलती रहेगी, कब तक, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करे। देखो
ये कार स्मूथली कब तक आगे चलती रहेगी, जब तक इस पे जो आगे की तरफ वेलोसिटी और जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो यह बराबर जब तक भी रहेगा तब तक ये कार स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी, कांस्टेंट इस वेलोसिटी से आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर किसी तरह ये कम हो जाए या ये बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंसिंग आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बॉडी अपना स्टेट चेंज करने पर क्या हो जाएगा, विवश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी बात वो नहीं है, हमारी बात सिर्फ इतनी है जब तक किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, ये बॉडी रुकी हुई है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी घूम रही है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, देखो हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा था, जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। करेक्ट, अब ग्राफ भी हम बनाते थे जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म ग्राफ ऐसा होता था, ओरिजिन से पास होता था और स्ट्रेट एकदम जाता था यूनिफॉर्मली, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था वो क्या देता था, एक्सीलरेशन देता था। और यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, जब तक थीटा चेंज नहीं होगा तब तक एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ग्राफ समझ में आया तो अच्छी बात है, आपने 11 में पढ़ाई की है, नौ समझ में आया तो बस इतना बात नोट करके लिख लो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी एक फिक्स वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रही है, दोनों के केस में क्या है, उस पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज, ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया, पहला केस तो क्लियर है, जो रुकी है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब दूसरा केस क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी घूम रही है। बताओ जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जितना घूमेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा, इसका मतलब यफ और भी बराबर है, यफ और भी बराबर है, तो जिसकी वजह से बॉडी एकदम स्मूथ सीधी डायरेक्शन में घूम रही है। और जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती है तो उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता। आपको क्या मालूम है, एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी माने पहले सपोज करो कोई बॉडी था, यू इस वेलोसिटी से भाग रहा था, आगे जाके अगर वो वी वेलोसिटी से भागे तब हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, वी माइनस यू अपॉन चेंज इन टी। लेकिन यहाँ वाले केस में जब यू और वी सेम ही है, देखो हमेशा भी से ही भाग रहा है, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी है और जो फाइनल कुछ दूर बाहर जाने के बाद है वो भी क्या है, वो भी ही है, तो v माइनस v क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्लियर हो गया, यहां से तो और क्लियर हो गया होगा कि एक्सेलरेशन का मतलब वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल को हम v से लिखते हैं, इनिशियल को u से लिखते हैं, यही हम लिखते हैं ना, 11 की पुरानी बात है इसलिए उतना डीप डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, v माइनस यू अपॉन चेंज इन टी लिखते थे, और लेकिन यहाँ के केस में यूनिफॉर्म, अरे यार लाइन कट गई, रुको 5 मिनट, चलो फिर से देखते हैं हम कहाँ पे थे, हम थे कहाँ पे, जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो रहा था, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है और कुछ दूर बाहर जाने के बाद जो वेलोसिटी है वो सेम है, इसका मतलब यू की जगह भी वी के जगह तो वी होगा ही, और लेकिन यू क्या है, यू था कुछ दूर बाद जाने के बाद उसका वेलोसिटी, और बाद जाने के बाद भी कितना है, वी ही है, तो वी माइनस बी जीरो हो गया। क्लियर बात, बस इतनी छोटी सी बात थी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल, देखो और इसको सिंपली और क्या बोला जाता है, इनर्शिया से बोला जाता है,
और क्या बोला जाता है, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन आल्सो बोला जाता है। ये सब बुक में पुरानी बात लिखी हुई है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे एक बात बताओ, तुम कहाँ पढ़ते हो, सपोज करो क्लास में डेस्क पे पढ़ते हो, तो डेस्क के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो वो बुक को ग्रेविटी, अपनी ग्रेविटी वाली फोर्स से सरफेस नीचे खींच रहा है, तो एक बात बताओ क्यों वो बुक नीचे नहीं गिर जा रहा है। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, हम खड़े क्यों रहते हैं। कोई पूछे कि हम खड़े क्यों हैं, आपको मालूम है अर्थ के अंदर ग्रेविटी क्या होती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, तो हम क्यों नहीं लेट जा रहे हैं, क्यों हम खड़े हैं, इसका रीजन बताओ। या तुम्हारे ये सरफेस है और एक डेस्क पे बुक रख के और बुक रखे हुए हो, बुक का मास स्मॉल एम है, क्या है, बुक है, तो क्वेश्चन है कि ये बुक क्यों नीचे नहीं गिर जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिएक्शन का, पहले वो सूझ लो, ठीक है। नॉर्मल वो बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, ये टेबल का ये ऊपर वाला पार्ट, सपोज करो ये टेबल का ऊपर वाला पार्ट है ना, ठीक, टेबल, और जो आपका बुक है, बुक को ग्लू से बनाओ, बुक का जो नीचे वाला लेयर है वो यहाँ पर है। जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में रहती हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, देखो जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आती है तो ऊपर वाला नीचे को दबाता है और नीचे वाले ऊपर को दबाता है, इसीलिए दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों रुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बुक टेबल को नीचे की तरफ दबाएगा, उसको हम बोलते हैं बुक ने क्या किया, टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ बुक ने टेबल पर लगाया तो टेबल भी बुक पर लगाएगा, किधर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि बुक ने नीचे लगाया तो बैलेंस करने के लिए जो टेबल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। यही रीजन होता है कि टेबल पे रखा हुआ बुक एकदम स्टेबल होता है। ये तो बात सिर्फ हो गई नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। तो ये यही कॉन्सेप्ट था सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की, जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में रहती हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या करती है, नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के टच में रहें, जब दो बॉडी एक दूसरे के टच में रहें, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, जब तक ये दोनों टच में नहीं आएंगे तब तक इन पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। एक छोटी सी बात हो गई, अब यहाँ पे आओ हम देखो क्या पढ़े हैं इनर्शिया में, कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी। देखो इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इसी एग्जांपल से हम पूरा क्लियर करेंगे क्यों हम हमेशा ये बोलते हैं कि क्यों किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होना चाहिए, उसको रुके रहने के लिए, बराबर का मतलब जीरो होना चाहिए, उसका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखो इस बुक को नीचे की तरफ ग्रेविटी सरफेस ग्रेविटी से खींच रही होगी, जिसको बोलते हैं mg। अरे यार w इक्वल टू mg होता है, ग्रेविटी का फोर्स सरफेस जो जिस फोर्स से किसी चीज को नीचे की तरफ खींचती है उसको हम w इक्वल टू mg से डिनोट करते हैं। बुक का मास स्मॉल m हमने लिया था, g ग्रेविटी है, तो सरफेस g को नीचे की तरफ खींच रही है mg से, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा फोर्स देखो, मास टेबल को नीचे की तरफ दबा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन से, और टेबल ये मास m वाले बुक को ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन से, दबा रहा होगा। यहाँ पे क्लियर था ना कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाते हैं, मास टेबल को नीचे की तरफ लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन और टेबल मास को ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। तो ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, इनर्शिया की, इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, पहला है आपका ये w इक्वल टू mg वाला, एक है आपका w, और दूसरा कौन है, देखो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जो फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर लग रही है, जिस बॉडी का हम स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसका स्टडी कर रहे हैं, बुक का स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, ऐसी ऐसी फोर्स जो बुक के ऊपर लग रही है, जो बुक के ऊपर लग रही है वो क्या होंगी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला w इक्वल टू mg, सरफेस बुक को नीचे की तरफ खींच रहा था कौन से फोर्स से, mg से, तो एक्सटर्नल फोर्स w हो गया। और दूसरा कौन सा, देखो ये एक ये पहला ये हो गया,
और दूसरा कौन सा, ये टेबल्स बुक के ऊपर, जो टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा था, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी क्या है, एक्सटर्नल, क्यों, क्योंकि टेबल ने बुक के ऊपर लगाया। दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला दूसरा। अब इंटरनल फोर्स की बात करो, इंटरनल फोर्स कौन कौन सा हो जाएगा, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स का मतलब हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उसके द्वारा लगाया गया फोर्स, क्लियर है वही बात। देखो यहाँ पे क्या, हम बुक की बात कर रहे थे, तो बुक ने कौन कौन सा फोर्स लगाया, सिर्फ एक फोर्स, कौन सा, बुक ने टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन, ये जिसको हम थर्ड से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका क्या है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है, ये क्या है आपका, इंटरनल फोर्स है। तो बॉडी, जब भी हम न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब हम तीसरे को हटा देते हैं, तीसरे फोर्स को हटा देते हैं, क्योंकि ये रूल है कि हम जिस बॉडी का स्टडी कर रहे हैं हम उस पे सिर्फ लगने वाली सारी फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अरे यार सिंपल सा समझ रहे हो ना, एक आदमी के ऊपर चार लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि चारों ने मिलकर उस आदमी पे कितना फोर्स लगाया। सो लिख लो, ये 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो ये चारों लोगों का इस पर कितना फोर्स लगा हम ये कैलकुलेट करेंगे। हम ये थोड़ी करते हैं कि इसने अपने आप पर या इसने इन सब पे कितना फोर्स लगाया। न्यूटन का लॉ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, तो हम सिर्फ वहां पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करेंगे, इंटरनल का कोई काउंटिंग नहीं होगा। जो भी इंटरनल फोर्स होंगे उनको हम अपने क्वेश्चंस में या अपने समझने वाले आइडियाज में कभी भी कल ऐड नहीं करते, ठीक है, हटा दो इसको। तो यहाँ पर ये तीसरा हट गया, तीसरा क्या था, इंटरनल फोर्स था, जो बुक ने सरफेस के ऊपर लगाया था, ठीक है, बुक ने सरफेस के ऊपर लगा था, तो ये तीसरा हट गया। अभी देखो, क्योंकि बुक रुका हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन और एमजी वेट वाला फोर्स एक मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है, मैग्नीट्यूड में, मैं आपको मालूम है, क्लियर है, बुक रुका हुआ है, इसका मतलब डब्ल्यू इक्वल टू एन है, डब्ल्यू क्या है, एमजी इक्वल टू एन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर वही बात। एक मिनट रुको, हाँ, क्योंकि बुक रुका हुआ है, इसका मतलब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, एमजी नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरह लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो क्या हो सकता है, हम एम जी और एन बराबर है। देखो हम एम जी को भी एक्स मान लेते हैं और एन को भी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, जो फोर्स है, जिस फोर्स से डब्ल्यू नीचे की तरफ खींच रहा है और जिस फोर्स से टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है, वो दोनों बराबर है। हम सपोज करो दोनों का एक्स मान लेते हैं, तो इसको इधर लाओ, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, कट कट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो किससे क्या पता चले कि जो नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी का फोर्स होता है वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन के होते हैं। क्या बोला, इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट, द नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिख लो, सिंस द बुक इज एट रेस्ट, सिंस द बुक इज एट रेस्ट, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, जीरो, आर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू डब्ल्यू, जो नॉर्मल रिएक्शन है, विच इम्प्लाइज जो आपका यन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इज इक्वल एंड अपोजिट, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ लिख लो, चलो यहाँ लिख लो, अपोजिट टू W, ठीक है, जब यन यम जी के यन W के बराबर होगा और इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी नेट एक्सटर्नल फोर्स का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, बुक रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक बार और देखो,
मास को नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचा mg से, टेबल ने मास के मास या बुक के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उसका मतलब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कैसे होगा, क्योंकि बॉडी रुकी हुई है तो डब्ल्यू इक्वल टू एन होगा, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग दोनों को सपोज कर लो एक्स से डिनोट कर दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तभी रुकी हुई है। तो कैलकुलेट करो एक्स इसको उधर ला, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया। इससे क्या क्या पता चला, सिंस द बुक इज एट रेस्ट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो व्हिच इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू अप इक्वल एंड अपोजिट टू डब्ल्यू। इस क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कैसे निकला, इसका क्या मतलब होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट mg के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये बात हो गई इस छोटे से लेक्चर की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात हो गई, न्यूटन के पहले लॉ की बात हो गई। क्लियर, यहाँ तक कोई अगर डाउट रहा हो तो अब हमसे कमेंट पूछिए। अब हमसे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।